हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, सपना उतना ही देखो जितना पूरा कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, और अगर बड़े सपने आपने देखकर ये डिसाइड कर लिया ये मेरा सपना है जिसे मुझे साकार करना है, तो अपने आप को कर्मों के द्वारा इतना बड़ा बनाओ और अपने माँ पिताजी और अपने कर्म पर पूरा विश्वास करो, आप विजयी जरूर होंगे। बस शर्त इतनी सी है कि अगर बड़ा सपना है तो बड़ी प्लानिंग बननी चाहिए और सही समय पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, फिर आप भी किसी बड़े आदमी की श्रेणी से कम नहीं होंगे। और याद रखिएगा, दुनिया में जिन लोगों को आप बड़ा मानते हैं वो बड़े नहीं है, बड़ा एक्चुअली उनका वक्त है, और आपका वक्त भी आएगा जरूर। बस सपने देखो उन्हें साकार करने के लिए, कर्म सही मायने में करो, फिर देखो आपके और आपके अपनों के सपने कैसे नहीं साकार होते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश रिवाली। यूट्यूब, फेसबुक और IGTV के सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं उन सभी लोगों के लिए जिनका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल डे है। ये राशिफल चंद्र राशि और आपकी नाम की राशि पर आधारित है, उसे वैसे ही देखने का प्रयास करें। हमेशा की तरह कुछ सेकंड्स आप लोगों के चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग के बारे में। ये 27 जुलाई सोमवार, श्रावण का चौथा सोमवार है। उस दिन आप लोगों को भोलेनाथ शिवमय वातावरण में लीन हो जाना चाहिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट, आपने तुलसीदास जी के दोहे जरूर सुने होंगे, आज उनकी जयंती है। सुबह 7:09 तक सप्तमी देती और फिर अष्टमी रहेगी। आज सुबह 11:03 तक चित्रा और फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी और अनफा योग का साथ मिलेगा। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले लोगों को शश योग, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोगों का मालव योग, मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वाले लोगों को हंस योग और भद्र योग का साथ मिलेगा। आज भी राहु बुध का जड़त्व दोष और गुरु केतु का चांडाल दोष रहेगा। प्रिय साथियों, आज पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। अगर आप आज किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में हैं, तो वैसे तो हर दिन ही शुभ है, भोलेनाथ का श्रावण का सोमवार है, लेकिन अगर मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं करनी है तो आज वो शुभ मुहूर्त नहीं है। क्यों नहीं है ये समझिए। सुबह 7:09 से लेकर शाम को 6:03 तक पाताल लोक की भद्रा है। भद्रा में किसी काम की शुरुआत करना नुकसान देता है। सुबह 7:30 से 9 तक राहु काल रहेगा, तो वैसे भी नहीं कर सकते, और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मुझे आज करना ही जरूरी है तो भगवान का नाम लीजिए, त्रिलोकी के नाथ का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। प्रिय साथियों, जब आप 6 राशि देख लेंगे तो पंचामृत से अभिषेक करके आज कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है ये देखिएगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भोलेनाथ का एकमात्र अवतार ऐसा बताइए जिनकी पूजा नहीं की जाती। कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया, मैं इसका जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में दूंगा, लेकिन आज आपको यह पता लगाना है कि भोलेनाथ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था और क्यों था। मैं इसका जवाब आपको कार्यक्रम के अंत, माफ करिएगा, कल दूंगा, और वो भी कार्यक्रम के अंत में। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपको एक बिजनेस मैन बनाने जा रहे हैं, बिजनेस पर्सन बनाने जा रहे हैं चंद्रमा। आज किसी की सलाह आपको फायदा मिल सकता है, फायदा दे सकती है। नौकरी बदलने या नौकरी में परिवर्तन के बारे में आज आप सोच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपने मन की बात बॉस से कर सकते हैं। आत्मविश्वास आज आपका शानदार रहेगा। बिजनेस से संबंधित समस्याओं में हल्की सी कमी आएगी और नए कार्य में सफलता मिल सकती है। वर्क प्लेस में आपके सबॉर्डिनेट, आपके साथ काम करने वाले लोगों के अलावा जो मंत्री, बॉस, ऑफिसर या जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ता है उन लोगों से सहयोग जरूर मिलेगा। परिवार में प्रेम और प्रतिष्ठा अर्जित करने की पूरी संभावना है। मेहनत करने के मौके के साथ ही स्टूडेंट की किस्मत भी आज चमक सकती है। आज अगर कोई टेस्ट, एग्जाम है या कोई आप पढ़ाई करना चाहते हैं, स्पेशल हुनर अपना जेनरेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के लिए दिन शानदार है। स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। आपको कुटुंब में, परिवार में, दोस्तों में कोई अचानक से किसी की मदद करके पुण्य फल मिलने वाला है, इसलिए सोशल काम भी जरूर करेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन होगा। किसी अच्छी जगह पर घूमने फिरने का, पिकनिक बनाने का, एंजॉय करने का, भोलेनाथ शिवमय वातावरण बनाने का मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। लकी कलर येलो, नंबर 6 शुभ रहेगा। वृषभ राशि, खर्च और कर्ज या फिर
फाइनेंस पर आज एक एक्स्ट्रा नजर आपकी रहेगी, जिससे आपको तकलीफों से छुटकारा दिला पाने में मदद मिलेगी। बिजनेस में विशेष वृद्धि के योग नहीं बन रहे, इसके आप कोशिश करें कि जो है जैसा है उस पर वैसे ही एंजॉय करें। और कुछ हद तक मंदी भी परेशान कर सकती है, हो सकता है कि कहीं कोई खर्च करना है, पैसे की जो आमदनी होने वाली थी वो नहीं हो पा रही, अटक गया है काम और पैसा, उससे आप निराश मत होइए। आज हो सकता है निराशा हो, लेकिन कल वो बादल छंटेंगे। धन लाभ अर्जित करने के लिए अच्छी खबरों के इंतजार के बजाय आपको किसी पर भी आंख बूंद करके भरोसा नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है और आंख और कान को खोलकर हर वातावरण को देखना है और उसके अनुसार स्ट्रेटेजी बनानी है। वेतन भोगी लोग, सैलरीड पर्सन, वर्क प्लेस पर एक नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हो सकता है बॉस का कोई काम आप हल्का कर दें, आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी आप निभा लें, किसी और का भी आप काम करके एक वाहवाही लूटने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य के सितारे समस्याओं का हल्का सा संकेत दे रहे हैं, इसलिए सोशल गैदरिंग या किसी ऐसे लोगों के संपर्क में न आए जो थोड़े बहुत भी आपको लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जीवन साथी, लव लाइफ, रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ के साथ साथ फ्रेंड्स के साथ सुखमय आनंद का वातावरण बना पाएंगे। हो सकता है कोई पिकनिक, बारिश का मौसम है, एंजॉय करने मन करे। हमारे यहाँ पर तो पकौड़े खाते हैं, मिर्ची बड़े खाते हैं, जोधपुर राजस्थान में चाय पीते हैं, बाजार और घूमने फिरने के बजाय आजकल तो कहीं पर भी बैठ कर भी आप आनंद ले सकते हैं। इसलिए आनंद जहां से भी मिले तुरंत लेना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगन के साथ आत्मविश्वास भी आज आपको मिलेगा। लकी कलर पर्पल, नंबर 4 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, अगर आप शादीशुदा हैं तो संतान सुख और संतान से सुख, आप खुद ही संतान हैं तो माँ बाप से सुख पूरा मिलेगा। आज आपको उन लोगों को धन्यवाद हमेशा की तरह जरूर देना चाहिए जो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक परेशानी हल्की सी बढ़ सकती है। हो सकता है कि मंथ एंड है और पैसे की जरूरत है, कर्जा लेना पड़ सकता है, ऐसी कुछ सिचुएशन बनने वाली है। आप थोड़ा सूझबूझ के साथ काम लें। अपने बॉस, मंत्री, ऑफिसर, सबॉर्डिनेट के साथ संवेदनशील मुद्दों पर बात जरूर करें, लेकिन बहस बतंगड़ का रूप ले लेगी, आप उससे दूरी बनाकर रखें। फाइनेंशियल आपकी जो पोजीशन है उसे ठीक करने के लिए आपको खर्च और कर्ज को कम करना है। हो सकता है आज आपको कहीं खर्चा करने मन करे, उसमें आपकी दिली तमन्ना हो लेकिन कर्ज लेना पड़े, तो ऐसी चीजों से दूर रहें। बिजनेस में दिन मध्यम फलदायी रहेगा और कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सूझबूझ, धीरज, धैर्य और संयम से ही आप वर्क प्लेस पर प्रगति कर सकते हैं, एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। आपको स्वास्थ्य की चिंताओं और जो आसपास हो रही नेगेटिविटी, रोजाना कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के कारण आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं कोरोना ना हो जाए, आपको नहीं होगा ये आपकी सोच होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए इसके लिए आपको सोचना चाहिए। लव लाइफ, रिलेशनशिप में सुधार आने वाला दिन है और रोमांचक यात्रा पर जाने वाला दिन है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि जरूर रहेगी। स्टूडेंट के लिए दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। भाग्य के एक सकारात्मक स्ट्रोक के कारण आप अपनी लव लाइफ में बाहर ला सकते हैं। लकी कलर क्रीम, नंबर 1 शुभ रहेगा। कर्क राशि, चंद्रमा आज आपको भूमि और भवन के मामले में उन्हें सुलझाने का आशीर्वाद दे रहे हैं। हो सकता है खरीद फरोख्त करनी हो, बेचना हो, रिनोवेशन करना हो, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई काम हो, इसलिए जमीन जायदाद से संबंधित ऐसे मसलों को हल करिए। नौकरी में हालात सामान्य नहीं है, लेकिन उसे असामान्य मत बनाइए, उसे आप बतंगड़ का रूप मत दीजिए और ना नौकरी को ठोकर मारने का कोई काम करिए। कई बार हम कहते हैं ऐसी नौकरी से बढ़िया मैं घर पर बैठ जाऊंगा, और कहीं ना कहीं वो घर पे ही आपको बैठा देते हैं, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें। बिजनेस पर्सन के लिए ठीक ठाक दिन नहीं चल रहा है। एकांत में रहकर, मौन रहकर अगर आप सोचोगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से दूर रहोगे। कुछ परेशानियों को हल आज आपको जरूर मिल जाएगा, इसके लिए आपको अधिक मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। व्यवसाय संबंधी समस्याओं का निजात पाने के लिए आप जो सक्सेसफुल भाग्यशाली लोग हैं उनसे गुर सीख सकते हैं, और जो लोग अनसक्सेसफुल है उनसे मिलकर भी कैसे वो अनसक्सेसफुल हुए वो गुर सीखकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। मानसिक तनाव आज होगा नहीं, लेकिन कोई देने का प्रयास करेगा, आप लीजिएगा मत। आपकी जुबान, आपके व्यवहार के कारण परिवार को कोई दुख पहुंच सकता है, ऐसा कोई काम न करें। बीमारी बीमारी ही होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अपना और अपनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी बननी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
जो परिणाम चाहते हैं उस परिणाम के लिए एक अलग रूपरेखा बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, वरना मलाल आपको शाम को रहेगा कि मैंने ये गलती क्यों की, एक दिन खराब कर दिया। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में शक मत करिएगा, वरना आपके रिश्ते तल्ख हो सकते हैं। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 3 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, चंद्रमा आज आपको अपने उम्र से छोटे भाई हो या बहन हो, कजिन हो या कोई भी हो मित्र, उससे मदद और उनकी मदद करने का पूरा आपको आशीर्वाद चंद्रमा दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति में भी कुछ सुधार के संकेत मिल रहे हैं, कहीं से भी धन आए, धन कमाने का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय में तेजी लाने के लिए सकारात्मक वातावरण आपको बनाना चाहिए। सैलरीड पर्सन के लिए एक उत्कृष्ट दिन है। वर्क प्लेस में आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है, और याद रखिएगा जिम्मेदारी और चैलेंज ईश्वर तय करते हैं कि किसे देने हैं। सिंह राशि, शेर की तरह हैं आप, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी आप निभाएं, अपनी सेहत का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। आपको पारिवारिक और सामाजिक कुछ काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें धर्म कर्म हो या किसी की कोई सोशल वर्क करने का मौका मिले तो ये जरूर करना चाहिए। लव लाइफ में और आपके लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप में एक बेहतर अनुभव रहेगा, और आपकी नकारात्मक सोच निकल जाएगी और क्रोध पर आपका नियंत्रण आ जाएगा। भाग्य स्टूडेंट और प्लेयर्स के साथ है, इसलिए मार लो बाजी। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 2 शुभ रहेगा। कन्या राशि, चंद्रमा कुछ अनसुलझे मामलों को सुलझाने की तरफ आपको ले जा रहे हैं। बिजनेस के लिए ये एक दिन राहत भरी सांस देने वाला सिद्ध होगा। मंदी तो अभी दूर, बहुत दूर है, लेकिन आपके लिए आज मंदी दूर होने का कोई संकेत दे सकती है, इसलिए आज वो काम सबसे पहले करें या ज्यादा करें जहां से मुनाफा ज्यादा होता है। नौकरी में सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। जो वर्क प्लेस पर झगड़ा, फसाद, कोई वैर विरोध या वैमनस्य था, वह उन्नति की तरफ जाएगा, तकलीफें दूर होने की तरफ जाएगी। आपके डेली रूटीन में कुछ बदलाव आने वाला है और महत्वपूर्ण डिसीजन आज लेने वाला है। लव लाइफ और रिलेशनशिप में कुछ समस्याएं आपके खुद के व्यवहार, शक या अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने, झूठे वादे देने की वजह से हो सकती है। आपके भाई बहन का समर्थन फायदेमंद साबित होगा। सेहत से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं से आज आप परेशान होने वाले हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो सेहत में तकलीफ पा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। लव लाइफ में रोमांचक यात्रा रहेगी। स्टूडेंट स्टडी में बिजी रहेंगे। आज पिकनिक बनाने का मौका मिलेगा, चूकेगा मत। लकी कलर सिल्वर, नंबर 5 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, पंच अमृत, 5 लिक्विड यानी तरल पदार्थ से अभिषेक करने से भोलेनाथ शिव प्रसन्न होते हैं, आपको मनोकामनाओं का पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। आज आपको ये जानकारी मिलेगी कि कहीं शिव जी को पंच अमृत की जगह जहर तो नहीं चढ़ा रहे। आमतौर पर आप सभी लोग भोलेनाथ शिव पर पंचामृत से अभिषेक करते हैं और करते होंगे। पूर्ण विधि विधान पूर्वक अभिषेक करने के उपरांत भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऐसे में आप हताश और निराश हो जाते हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं कोई गलती तो मुझसे नहीं हो रही है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर पूजन में पंचामृत सावधानी से नहीं बनाया जाए तो वह जहर का रूप ले लेता है। क्या कभी आपने सोचा है कि दूध और दही को मिलाकर आपने पिया हो या उसका सेवन किया हो? शायद नहीं। देवों के देव त्रिलोकी के नाथ महादेव को अभिषेक अति प्रिय है और पंच अमृत से अभिषेक तो विशेष प्रिय है। इसी कारण भक्त उन्हें पंचामृत से अभिषेक कर प्रसन्न करते हैं। भोलेनाथ पर जल, दूध, घी, शहद और गन्ने का रस के साथ ही पंचामृत का अभिषेक किया जाता है, परंतु पंचामृत बनाने में शुद्धता का अगर ख्याल न रखा जाए तो वह अशुद्ध बन जाता है और अशुद्ध विष बन जाता है। अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो पंचामृत बनाने की सही विधि आपको पता होनी जरूरी है, इसे आप सबसे पहले नोट करिए। जितना भी आप दूध लेते हैं उससे आधा दही लेना चाहिए, दही से आधी शक्कर, शक्कर से आधा घी और घी से आधा शहद लेना चाहिए। इस द्रव्य से अगर आप अभिषेक करते हैं तो यह पूर्ण शुद्ध रूप से पंचामृत बन जाता है, और आप अगर इसके साथ साथ बिल्व पत्र भी आज चढ़ाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। आप इसका अनुसरण करें, आप देखिएगा ये पंचामृत आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा और आज आपकी एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बात करते हैं तुला राशि की। चंद्रमा आज आपके IQ EQ लेवल बौद्धिक विकास में वृद्धि करने जा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आप हाजिर जवाब बहुत अच्छे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है,
ये किसी चंद लोगों का ही अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। चंद्रमा कई बार हमारे लिए भी बेहतरीन आशीर्वाद की एक जड़ी लगा देते हैं, वो आज आपके लगने वाली है। नौकरी में कुछ सरकारी मामले हो या गैर सरकारी मामले हो, तकलीफों से राहत मिलेगी। टैक्स रिटर्न आदि से संबंधित मामलों को समय रहते निपटाने का प्रयास करें। आज आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन कोई ना आए या चल रही है तो उससे दूरी बनाकर रखें, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। बिजनेस में कुछ हद तक तेजी आ रही है और सकारात्मक वातावरण बन रहे हैं। आपको वर्क प्लेस पर अधिक कार्यभार का सामना करना पड़ेगा। काम से जुड़ी हुई कोई खबर खुशी दे सकती है। परिवार में लोग आपकी सलाह तब मानेंगे जब आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाएंगे। जबरदस्ती मर जाए या सलाह देने का कोई काम नहीं करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल अगर आपने रख लिया और घर वालों को यह बताया कि आपको अपना अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तो आप देखिए कोरोना वायरस आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ, शरीर में कई मांसपेशियों में दर्द परेशान जरूर कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मन लगाकर काम करना आसान नहीं होगा। हाँ, मन रोमांस लव लाइफ रिलेशनशिप में जरूर होने वाला है। लकी कलर व्हाइट नंबर 1 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपको जिन लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा कोई विवाद चल रहा है उस मामलों में राहत मिल जाएगी, सामंजस्य अच्छा बन जाएगा। व्यवसाय में मंदी तो है ही लेकिन वो दूर नहीं हुई, लेकिन आपके लिए हल्की सी मंदी दूर हो सकती है। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खुल सकती है लेकिन खर्च और कर्ज आज भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज आपको पैसे उधार देने और लेने से 100% बचने की कोशिश करनी चाहिए। नौकरी में जो भी आपके प्रयास है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होंगे, इसलिए आप अपने काम को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करें, बल्कि आप अपने काम को करते जाएं, लाभ जरूर मिलेगा। वर्क प्लेस पर सुस्ती के कारण काम पूरा करना मुश्किल होगा। परिवार में बहस चर्चा बतंगड़ का रूप ले सकती है, इससे बचना चाहिए। स्वास्थ्य बिगड़ने से या इन मुद्दों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आज आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ख्याल रखें अपना। आप घर में कुछ अधिक धार्मिक गतिविधि करने के बजाय नॉर्मल गतिविधि करें, पुण्य कर्म करें, सोशल वर्क करें, लाभ मिलेगा। समाज में आपकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि में हल्की सी कमी आ सकती है आपके जुबान और गलत व्यवहार के कारण। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में मन लगा पाना बहुत आसान नहीं होगा। खिलाड़ी को चोट लग सकती है, ख्याल रखेगा। मैरिटल लाइफ और लव लाइफ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और कुछ न कुछ समस्याएं तो हर एक की जिंदगी में आती हैं, लेकिन आप ऐसी कोशिश करें कि आपके वजह से समस्या ना आ जाए। लकी कलर ग्रे नंबर 8 शुभ रहेगा। धनुराशि, चंद्रमा आज आपको कर्तव्यों को पूरा करने का आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसी ताकत दे रहे हैं कि आज आप अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों का समावेश सही कर सके। दिन बिजनेस पर्सन के लिए बहुत शानदार है लेकिन स्थितियां अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं हुई है, इसलिए कोई भी बड़ा जोखिम नहीं लें। नौकरी में आपकी आय के साथ पद और प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर आपके काम की तारीफ सामने और पीठ पीछे दोनों ही हो सकती है, साथ ही किसी की आपसे ईर्ष्या बढ़ सकती है। आप अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दान पुण्य धर्म में रुचि जरूर लीजिए। परिवार में अनावश्यक बहस बतंगड़ चर्चाओं से दूर रहें, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। आपने जो इतनी अच्छी इमेज बनाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। स्टूडेंट का आत्मविश्वास उच्च बना रहेगा। वैवाहिक जीवन लव लाइफ रिलेशनशिप में आज एक रोमांच और रोमांस का तड़का लगने वाला है। अपने आप को काबू में रखें, कहीं ईर्ष्या गलत जुबान और अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से आप ट्रोल ना हो जाए। लकी कलर गोल्डन नंबर 2 शुभ रहेगा। मकर राशि, चंद्रमा आज आपको कर्मशील हर पल गतिशील और कर्मवान बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं, जरूर ऐसा करें। फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा और बिक्री में वृद्धि के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अपने प्रोडक्ट की सेल्स परचेस मार्केटिंग रीपैकेजिंग इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। नई योजनाओं पर कार्य शुरू होने से आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बिजनेस एक्सपांशन की स्थितियां बनेगी। कुल मिलाकर व्यवसाय के लिए सकारात्मक माहौल बनने जा रहा है। नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण आपकी वर्किंग स्किल बढ़ने वाली है। परिवार में अत्यधिक खर्चों के कारण आप भ्रमित और पीड़ित होने वाले हैं। हम सफर से नियमित बातचीत के दौरान शांति बनाए रखें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अध्ययन में आने वाली पुरानी समस्याओं से राहत जरूर मिलेगी। लकी कलर ग्रीन नंबर 5 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, चंद्रमा आज आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, आपके भाग्य को चमका रहे हैं। आप जरूर कर्म करके भाग्य का आनंद लीजिए। नौकरी में कार्य के मोर्चे पर अनुकूल परिस्थितियां जरूर रहेगी, साथ ही कोई खुशी की खबर आपको मिलने वाली है। व्यवसाय में
सुधार के पूरे योग बन रहे हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर पदोन्नति और जो सैलरी बढ़ाना या फिर आपकी जॉब चेंज होना, इन ख्यालों को छोड़कर बॉस के बारे में अच्छा सोचिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा सोचिए, सिर्फ अपनी जॉब को बचाने के बारे में सोचिए, आज उसी में लाभ मिलेगा। आपको आपके काम को सराहना इसी बात से मिलेगी कि आज आप स्वार्थी न बने, परिवार में आप अपने सभी कर्तव्यों को अच्छे से निभा पाएंगे। ये सोच ही काफी नहीं है, इसके लिए सही रूप से कर्म करना पड़ेगा। आप अपने जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में किसी चिंता के शिकार होने वाले हैं। हो सकता है आपके रिश्ते को लेकर ही कोई भविष्य को लेकर चिंता हो जाए। चिंता छोड़कर चिंतन कीजिए। पैसा खर्च कर सकते हैं और कोई स्पेशल चीज खरीदने का मौका मिलेगा। दोबारा जरूर सोचिएगा, क्या यह जरूरी है, क्या यह वाकई में जरूरी है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सिर्फ परिश्रम, नो शॉर्टकट। लकी कलर पिंक नंबर 7 शुभ रहेगा। मीन राशि, चंद्रमा आज आपको मानसिक और शारीरिक रूप से यात्राएं कराने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। आप यात्राएं जरूर करें लेकिन जरा संभल के। जॉब में काम की गति के मामले में ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है, इसलिए आप चढ़ाव पर ध्यान दें, उतार पर नहीं। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, इसी से आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। और विस्तार के बारे में जो आप सोच रहे हैं उसके लिए अपनी प्लानिंग को किसी को मत बताइए, सिर्फ इंप्लीमेंट करिए और इन लोगों को अपने आप देखने दीजिए आपकी तरक्की कैसे होती है। आपके व्यावसायिक भागीदारों के साथ संबंधों में डिफरेंस हल्का सा बढ़ेगा। मोटी रकम गंवाने की हल्की सी संभावना है। वर्क प्लेस पर आप कमजोर और बीमार महसूस करेंगे। आपके आराम और भौतिक सुखों में कमी होगी। किसी पारिवारिक समस्या, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर समस्या मन को तनावग्रस्त बनाने वाले हैं, इससे तनाव से निकलने का कोई नुस्खा अपनाइए, लाभ मिलेगा। स्टूडेंट के लिए पढ़ना सहज नहीं, कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है, इसके लिए ग्रुप डिस्कशन करें, दोस्तों की मदद लीजिए, अपने टीचर, कोच और जो आपके वेलविशर है उनकी मदद लीजिए। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपके स्वभाव और जुबान, गलत शब्दों की वजह से कुछ रिश्ते में तल्खी आ सकती है, ख्याल रखें। लकी कलर ब्राउन नंबर 3 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि शिवजी का एकमात्र ऐसा अवतार ढूंढिए जिनकी पूजा नहीं की जाती है। आप लोगों ने कुछ जवाब सही ढंग से दिए, मैं इसका जवाब आपको पूरा दे देता हूं। कौरव और पांडव के गुरु रहे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान शिव का 19वां अवतार माना जाता है। भोलेनाथ की कठोर तपस्या से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के रूप में संतान की प्राप्ति हुई थी। अश्वत्थामा महान, ताकतवर और बहुत गुस्सेल भी थे और योद्धा तो थे ही। अश्वत्थामा ने ही महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडव के 5 पुत्रों का नींद में ही वध कर देता है। अर्जुन और अश्वत्थामा के मध्य युद्ध में दोनों ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे सृष्टि में चारों ओर तबाही मच जाती है। इसीलिए नारद मुनि और वेद व्यास जी उन्हें रोकने जाते हैं। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या ज्ञात होने से पुनः ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या ज्ञात नहीं होती है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर चल देता है। इस अपराध के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि संसार के अंत तक धरती पर अकेला भटकता रहेगा, और ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा पृथ्वी पर आज भी भटक रहे हैं। अश्वत्थामा की इस कहानी से सीख ये मिलती है कि आधी जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। साथ ही यह भी बात साबित होती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जाती है। तो आपको अब समझ में आया कि भोलेनाथ के 19वें अवतार थे, उनकी पूजा हम नहीं करते हैं। प्रिय साथियों, अब आपको यह पता लगाना है कि त्रिलोकी के नाथ भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी सर्वनाश कर सकते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था और क्यों, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। लेकिन आप तो बड़े होशियार हैं, आज और अभी मुझे कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। जवाब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, लेकिन दीजिए जरूर, कमेंट करिए, कुछ थोड़ा सा अंगूठा अंगुलियां हिलानी है और कमेंट समझो मिल गया। आपका आज का दिन शानदार गुजरे। भोलेनाथ शिव सोमवार पर आपको अपनों के साथ आशीर्वाद दे, आपकी मुराद पूरी हो, शांत मन से आगे बढ़े, इस उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।